भरतपुर का रुख करते हैं, जहां आज आरसीपी को लेकर यह आभार यात्रा निकाली गई है। और आपको ये भी बता दें कि जनता के बीच इस मुद्दे को लेकर लंबे समय से लड़ाई थी, लगातार अपील कर रही थी जनता ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर, लगातार मांग की जा रही थी। अब जब ईआरसीपी मुद्दे को लेकर हल निकला, समाधान निकला, तो ऐसे में अब ये आभार यात्रा है और इसमें जनता का अभिवादन अब स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री, उन्होंने जनता के हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। और वहीं जवाहर सिंह बेडम मंत्री जो हैं वो भी उस दौरान साथ रहे, जनता को संबोधित भी किया, अपनी बात भी रखी। और साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस यात्रा में नजर आए। काफी संख्या में स्थानीय लोग वहां पर मौजूद रहे। देखिए, राजस्थान से जुड़ा बेहद महत्वपूर्ण ये मुद्दा है और कई जिलों के लिए पानी की आवश्यकता को पूरा करने वाला ये मुद्दा है। आरसीपी को लेकर पिछली सरकार भी लगातार अपील करती रही थी केंद्र सरकार से, लेकिन इस मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई थी, इस मुद्दे पर समाधान नहीं हो पाया था। लेकिन उसके बाद में बीजेपी सरकार आई और उन्होंने इस मुद्दे को लेकर हल निकाला और जो पास के जो राज्य हैं उनको लेकर भी सहमति बनवाई। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज आप इतनी बड़ी संख्या में नगर के अंदर आए, आप सभी को निश्चित रूप से मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। आपके एक साथ दर्शन पाकर के मैं धन्य हुआ। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आपकी ईआरसीपी की जो मांग थी, हमने आपको वायदा भी किया था, हमारे केंद्रीय मंत्री भी चुनाव से पहले आपके बीच में आए थे और हमारी पार्टी ने हमारे संकल्प पत्र में भी कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम पूर्वी राजस्थान के लिए जो हमारी एक जीवन दायनी है ईआरसीपी की योजना, इसको लागू भी करेंगे, समझौता करके लेकर के भी आएंगे। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं मित्रों कि हमने 1.5 महीने के अंदर उस योजना को लाने का भी काम किया और ये भी विश्वास दिलाते हैं कि इस 5 साल में उसको मूर्त रूप देने का काम भी करेंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जो कभी भरतपुर जिला और ये पूर्वी राजस्थान के जिले ये पानी से परेशान रहते थे, तीन तीन चार चार नदियां इसमें आती थी, रूपारेल आती थी, गंभीर आती थी और बाणगंगा नदी आती थी, कुकंद नदी आती थी, लेकिन अब हम पानी के लिए परेशान था हमारा ये पूर्वी राजस्थान। आपकी एक वोट ने, क्योंकि हमने आपसे वायदा किया था और आपने बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में बैठाया, आपके उस वोट ने, आपके उस एक वोट ने कमाल करके दिखाया है कि 1.5 महीना के अंदर ये योजना आपके बीच में आ गई। जल्दी उसका माननीय प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करेंगे और आपसे वायदा करते हैं कि 5 साल के अंदर हर घर में जल भी आएगा, हमारा बांधों में पानी भी आएगा, हमारे तालाबों में भी पानी आएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपने इतनी बड़ी संख्या में हमारा स्वागत और सम्मान किया है, हमारे बीच में हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आपका विश्वास हमेशा कायम रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच में संकल्प पत्र के माध्यम से जो वादे रखी है उनको भी पूरा करेंगे। हमने वादा किया है 70,000 युवाओं को रोजगार देंगे, हम रोजगार देने का भी काम करेंगे। किसानों को सम्मान निधि बढ़ाने का काम किया, एमएसपी बढ़ाने का काम किया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने का काम किया और आगे भी देखते जाइए होता है क्या, आपके जो सपने हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।